नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अवंतिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियुटिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल दौरे को चुनावी स्टंट बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को अनुभवहीन बताते हुए कहा कि वो नई घोषणाएं करने की बजाय पुरानी घोषणाओं का हिसाब जनता के समक्ष रखें। दीपक बलियुटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नैनीताल में जो 4,531 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 38 योजनाओं का शिलान्यास किया है, उसके लिए बजट का इंतजाम कैसे करेंगे इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। साथ ही उन्होंने जो 60,070 लाख की लागत से बनी 28 योजनाओं का लोकार्पण किया है, उसका सोशल ऑडिट अब जनता करेगी, इसका हिसाब जनता आगामी 2022 विधानसभा चुनावों में लेगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार को अपने गिरेबा में झांकने की जरूरत है कि उन्होंने 2017 के दृष्टि पत्र में जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं। दीपक बलियुटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, हल्द्वानी की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि नई घोषणाएं करने से पहले ये तो बता दीजिए कि हल्द्वानी में बनने वाले ISBT का क्या हुआ। इसके अलावा रिंग रोड, मल्टी स्टोरी पार्किंग, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के वादे का क्या हुआ। दीपक बलियुटिया का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ जनता को गुमराह करने और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, आप सिर्फ चुनावी घोषणा कर रहे हैं, ये जुमला है, ये चुनावी दौरा है, जुमला है, इनके पास पैसे नहीं है। जितनी घोषणा ये कर रहे हैं, ये जितनी घोषणा इन्होंने कर दी हैं, इन घोषणाओं में जितनी लागत आनी है उसका एस्टिमेट है, ये बता दें कि इनके खाते पे है, श्वेत पत्र जारी कर दें। बिना पैसे के घोषणाएं कर रहे हैं तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ चुनावी वर्ष देख के घबराए हुए हैं। हमारी आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।